इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने Shopify स्टोर पर TikTok एड्स चला सकते हैं। पहले हम अपने Shopify स्टोर को TikTok के साथ जोड़ेंगे और फिर हम आपके TikTok एड्स कैंपेन को सेटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे अपने कैंपेन के बजट को मेंटेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। TikTok एड्स को अपने Shopify स्टोर पर सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले TikTok को एक नए सेल चैनल के रूप में स्टोर से जोड़ना होगा। तो Shopify डैशबोर्ड में जाने के लिए हम ऐड एप्स पर जाएंगे और फिर Shopify ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे, TikTok को सर्च करेंगे और फिर TikTok ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड सेल्स चैनल पर क्लिक करेंगे, फिर सेटअप नाउ। अब हमें एक TikTok बिजनेस अकाउंट को बनाने की जरूरत है, इसलिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहां हम डालेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड, फिर अपने ईमेल को वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे और यहां इसे पोस्ट कर देंगे, फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने Shopify के TikTok बिजनेस अकाउंट से जुड़ चुके हैं, तो चलिए कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे अपना TikTok एड्स मैनेजर। इसके लिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंट्री में हम उस कंट्री को चूज करेंगे जिसमें हम एड्स दिखाना चाहते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद करेंसी चूज करेंगे, फिर अपने स्टोर का नाम और फोन नंबर लिखेंगे और फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट। अब डेटा को शेयर करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोग चुनेंगे। ये हमारे Shopify स्टोर से TikTok को ज्यादा से ज्यादा डेटा लेने के लिए अलाउ करेगा। ये TikTok को सही कस्टमर ढूंढने में भी मदद करेगा। फिर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी कंपनी की जानकारी को सेटअप करेंगे, तो आप ये अपनी जानकारी लिखेंगे और फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिनिश सेटअप पर। तो अब हमारा TikTok हमारे Shopify से जुड़ गया है, साथ ही ट्रैकिंग पिक्सल भी अपने आप इंस्टॉल हो गया, जिसका मतलब है कि जब भी हम TikTok पर सेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां से सेल हुई है, फिर हम उस डेटा को और ज्यादा फैलाएंगे। तो TikTok एड्स को सेटअप करने के लिए हम ads.tiktok.com पर जाएंगे और फिर यहां ऊपर क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने आप ही TikTok एड्स मैनेजर में लॉगिन हो जाएंगे, जिसको हम पहले ही बना चुके हैं। कैंपेन को सेटअप करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एड्स कैंपेन का कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इस कैंपेन में तीन लेवल है। पहला है खुद कैंपेन, दूसरा लेवल है एड ग्रुप और तीसरा लेवल है सही एड्स। कैंपेन लेवल में हम आपको TikTok के बारे में बताएंगे, जो हमारे कैंपेन का मेन उद्देश्य है। इस केस में ये हमारे स्टोर पर बेचा जाएगा और एड ग्रुप लेवल में हम उन्हें बताएंगे जो हमारे एड्स को देखना चाहते हैं। साथ ही हमारे पास बहुत से मल्टीपल ग्रुप्स भी इस कैंपेन में हो सकते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह की ऑडियंस को देख सकते हैं। और एड लेवल पर हम अपना रियल एड बनाएंगे, जिसको जो हमारे TikTok यूजर्स हैं वो अपनी फीड में देखेंगे। साथ ही हमारे पास एक एड ग्रुप में बहुत से एड्स होंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एड सबसे ज्यादा सेल में है, ये बढ़िया है। अब आप कैंपेन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए अब इसे सेटअप करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे एड्स पर हो, इसलिए हम यहाँ कस्टम मोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, जो हमारे स्टोर पर बेचा जाएगा। इसके लिए हम यहाँ वेबसाइट कन्वर्जन को चूज करेंगे और फिर हम अपने पहले कैंपेन का नाम रखेंगे। इस पहले कैंपेन में हम उन लोगों को अपना टारगेट बनाएंगे जिन्होंने इस ब्रांड को पहले ना देखा हो। इस मार्केट के भाषा में हम इसे कोल्ड ट्रैफिक कहते हैं, इसी रीजन से हम इस कैंपेन का नाम कोल्ड रखेंगे। साथ ही इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को भी लिखेंगे, कॉन्वर्सेशन। इसके बाद हमें ये तय करना है कि हम अपने बजट को कैसे इस कैंपेन में मैनेज करेंगे। अगर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करेंगे, जिसको CBO भी कहा जाता है, तो हम अपने पूरे कैंपेन के बजट का पता कर सकते हैं। और TikTok तय करेगा कि हमें कितने पैसे किस ग्रुप में लगाने हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि ये सब TikTok पर बेस्ड है कि हमें किससे कितनी सेल होगी। अगर हम CBO को ऑफ कर देते हैं तो हमें एड ग्रुप लेवल पर बजट को सेट करना पड़ेगा, जिसको ABO कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमें ही अपने डेटा को पढ़ना है और फिर अपने हिसाब से हर एड ग्रुप के बजट को बढ़ाना और घटाना है। टेस्ट करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप CBO को ऑफ ही रहने दें, क्योंकि जहां हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम अपना पहला एड ग्रुप अपने नए कैंपेन में बनाएंगे। हम अपना एड ग्रुप उस नाम पर रखेंगे जो ऑडियंस पर बेस्ड हो, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको ट्रेवल में दिलचस्पी है, तो हम इस एड ग्रुप का नाम ट्रेवल रखेंगे।
पर इस एड ग्रुप के लिए मैं उन ब्रॉड लोगों को ले लूंगा जिनका किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ये अभी टिकटॉक पर बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं इस एड ग्रुप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं डाल रहा हूं। मैं यहां लिखूंगा ब्रॉड। अब हम यहां अपना पिक्सल चूज करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना टिकटॉक हमारे शॉपिफाई स्टोर से डेटा नहीं ले सकता है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के लिए हम कंप्लीट पेमेंट को चूज करेंगे और रिप्लेसमेंट के लिए मैं सिलेक्ट रिप्लेसमेंट पर क्लिक करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ टिकटॉक ही सिलेक्ट हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एड्स दूसरे एप्स पर भी शो हो सकते हैं। इस स्टेज पर आकर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो अब हम एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे और वीडियो डाउनलोड के फीचर को ऑफ कर देंगे जिससे लोग आसानी से हमारे एड्स को नहीं चुरा पाए। अब हमारे पास है ऑटोमेटेड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन फीचर, जिसको अगर हम ऑन करेंगे तो ये हमारे एड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट कर टेस्ट करेगा और ये डिपेंड करता है कि ये सबसे बेहतर कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको ऑफ रखूंगा क्योंकि मैं अपने आप ही सारी चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छे से सीख गया हूँ कि कौन सा काम मेरे प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ अब टारगेट पर चलते हैं। यहाँ हम फिल्टर्स को उन लोगों के लिए सेट कर सकते हैं जो हमारे एड्स को देखना चाहते हैं। मैं टारगेटिंग मोड को कस्टम टारगेटिंग पर ही छोड़ देता हूँ और फिर डेमोग्राफिक्स के लिए हम उस कंट्री को लिखेंगे जिसको हम बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैनेडा को अपना टारगेट बनाते हैं जिनको हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में मैं यहाँ इंग्लिश को चूज करूंगा और जेंडर के लिए यह आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ बेच रहे हैं और ये सिर्फ औरतों के लिए है तो हम इस हिसाब से यह फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। कुछ प्रोडक्ट के जरिए यह आदमियों या फिर और भी लोगों के लिए हो सकता है, तो हम किसी को भी बेच सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट कुछ खास जेंडर के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे ऑल पर सिलेक्ट करूंगा और एज में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 13 से 17 इयर्स के ग्रुप को सिलेक्ट ना करें क्योंकि इस उम्र के बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने एड्स दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब चलते हैं इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स पर। यहाँ पर हम इस टारगेट को अपनी ऑडियंस के लिए देखेंगे जिससे वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी लें। अब जो मैं इस एड ग्रुप में पहले करना चाहूंगा वो है ब्रॉड ऑडियंस को टेस्ट करना, लेकिन हम एक एक खास इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे। जो टिकटॉक पर अच्छे से काम करता है वो टारगेट इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम ऐप एड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएंगे। टिकटॉक एल्गोरिथम सीखने में काफी अच्छा है कि कैसे कस्टमर को टारगेट करना है कि ये प्रोडक्ट उन्हें पसंद आए। ये सब डिपेंड करता है हमारी जानकारी पर। यही वो आइडिया है जो ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है। बाद में हम टेस्ट करने के लिए एक सेपरेट एड ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें लोगों की खास दिलचस्पी को रखा जाएगा, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने बजट पर। जैसा कि हमने तय किया था कि हम एड ग्रुप लेवल पर ही अपने बजट को बनाएंगे, पर अब हम टिकटॉक को बताएंगे कि कितने पैसे हम इस एड ग्रुप पर लगाएंगे। साथ ही अपने कुछ पैसे रोजाना भी लगाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एड्स को देखेंगे। शुरुआत में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम शुरू करें, करीब $20 हर दिन लगाएं। डे पार्टिंग में हर दिन एक खास टाइम सेलेक्ट करें जब हमारा एड्स दिखाया जाएगा। इसको हम कुछ समय बाद भी सेटअप कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ डेटा होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस समय लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। पर अभी मैं इसको ऑल डे पर छोड़ देता हूं। इसके बाद बिडिंग और ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम इस ऑप्टिमाइजेशन कॉल को कन्वर्सेशन पर कर देंगे। ये एक बहुत ही कम पैसों की बिड स्ट्रेटजी है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने कैंपेन के एड लेवल पर हैं जहां हम आसानी से एड को बना सकते हैं। मैं इस एड को नाम दूंगा एड वन और इसकी आइडेंटिटी में हम अपने ब्रांड नाम को जोड़ देंगे, साथ ही अपने ब्रांड के लोगों को भी अपलोड कर देंगे। अब मैं एड डिटेल्स पर जाऊंगा। यहाँ हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जो एक एड होगा और इसको एडवर्टाइजिंग के रूप में दिखाया जाएगा। इसको कहा जाता है क्रिएटिव। अगर हम क्रिएटिव को बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आप एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और फिर इसे अपने आप क्रिएट करेंगे, या फिर आप एड एजेंसी को कुछ पैसे देकर भी अपने लिए एड्स बनवा सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यूज करना पसंद करूंगा जब हम नए प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे क्योंकि ये उस पार्ट में बहुत ही कम टाइम में बनाया जाएगा। मैं अपने समय को एक अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने में खर्च करूंगा और देखूंगा कि कौन इसका विनर है। एड एजेंसी जिसको मैं यूज करता हूं उसे बैंड्स ऑफ एड्स कहा जाता है और मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इनके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम टिकटॉक पर जाएंगे। मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको यहां पर पैकेज मिलेगा जो टिकटॉक एड पैकेज है। यहां आपको 3 वेरिएशन में 15 से 30 सेकंड लंबा आपके प्रोडक्ट के लिए टिकटॉक एड मिलेगा। अब ये लोग आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए क्लिप्स ढूंढेंगे और फिर वीडियोस एड को आपके टिकटॉक के लिए इनको एक साथ कट कर देंगे। तो चलिए अब आपको टिकटॉक एड प्लेटफॉर्म पर वापस ले चलते हैं जहां हम अपने क्रिएटिव को अपलोड पर क्लिक कर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद अपनी वीडियो फाइल्स को यहाँ ड्रॉप कर देंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टेक्स्ट फील्ड में आप अपने ऑफर रखें। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 50% डिस्काउंट का ऑफर है तो हम उसे यहाँ आसानी से हॉलीडे सेल 50% ऑफ करके लिख देंगे। फिर हम इसको प्रोडक्ट पेज के जरिए और लोगों तक भेज सकते हैं। तो अब मैं इस प्रोडक्ट पेज पर URL लिखूंगा। फिर एक्शन बटन को लाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे और इस स्टैंडर्ड को बदल देंगे। फिर यहाँ शॉप नाउ को चूज कर लेंगे। इसमें हमें फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने की बहुत जानकारी मिलती है। ट्रैकिंग के लिए हम पहले ही टिकटॉक पिक्सल्स को सेटअप कर चुके हैं, यहाँ तो सब ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जब यहाँ पूरा हो जाता है तो टिकटॉक से हमारे एड्स पर रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है और फिर ये अपने आप चालू हो जाते हैं। अब हम टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर हैं, जहां हम अपने सारे कैंपेन्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैंपेन्स के अंदर हम उन कैंपेन्स को देख सकते हैं जिन्हें हम पहले सेटअप कर चुके हैं। हम यहां क्लिक करेंगे, ये हमें एड ग्रुप के अंदर पहले लेवल पर ले जाएगा। अब यहां हम एड ग्रुप को देख सकते हैं। इसके लिए हम इस एड ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा एड्स पर, जिसके अंदर हम उस एड ग्रुप पर चले जाएंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस एड ग्रुप में, जिसे हम पहले ही बना चुके हैं, 2 से ज्यादा एड्स बनाएं। अगर आपने अपने क्रिएटिव को पाने के लिए बैंड्स ऑफ एड को यूज कर लिया है तो आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएशन होंगे। तो दूसरे एड को सेटअप करने के लिए हम एड पर जाएंगे जिसको हम पहले बना चुके हैं और कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपीज के नंबर को बड़ा कर लेंगे और फिर हम कंफर्म कर देंगे। अब हम इन सब कॉपीज को एडिट करेंगे और इसके नाम बदल देंगे और दूसरे क्रिएटिव्स को अपलोड कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक कैंपेन है, वो भी एक एड ग्रुप टारगेटिंग ब्रॉड ऑडियंस के साथ है। इस एड ग्रुप में हम 3 अलग अलग क्रिएटिव्स को टेस्ट करेंगे। अगर आप एक दिन में $20 से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप थोड़े ज्यादा एड ग्रुप्स बना सकते हैं और इन एड्स ग्रुप को अलग अलग तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस कैंपेन के अंदर जाएंगे और अपने एड ग्रुप को 2 बार कॉपी कर लेंगे और फिर हर एक कॉपी के लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे, टारगेट के लिए नीचे जाएंगे और यहां हम उस इंटरेस्ट को चूज करेंगे जिसमें आपका कस्टमर ज्यादा दिलचस्पी रखता होगा। एक बार आपने अपने इंटरेस्ट को चूज कर लिया तो ध्यान रखें कि आपके एड ग्रुप का नाम उसके इंटरेस्ट से, जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये आपके कैंपेन के अच्छे ओवरव्यू को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कैंपेन स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक कैंपेन है जिसमें 3 एड ग्रुप है, 1 ब्रॉड है और 2 टारगेटिंग इंटरेस्ट है। इन हर एक ग्रुप में 3 अलग अलग क्रिएटिव है। यही वो सेटअप है जिसको मैं नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको रेकमेंड करूंगा। अब आपको एक प्रोडक्ट एक अच्छे प्रॉफिट के साथ मिल गया है तो आप इस सेटअप को यूज करें, जिससे आप धीरे धीरे अपने कैंपेन स्केलिंग को शुरू कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब है यूनिट्स एड्स पर खूब पैसा खर्च करना जो अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ 2 तरीके हैं कि कैसे आप अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है कि हम अपने एड ग्रुप के बजट को बढ़ा रहे हैं, जो हमें बहुत जल्दी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एड ग्रुप इन सब में से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। इसके लिए बस हम आसानी से अपने एड ग्रुप के बजट को बढ़ाएंगे। अगर ये एड ग्रुप हमें लगातार प्रॉफिट देगा तो हम दोबारा इसके बजट को और बढ़ा देंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, यहाँ हम सबसे अच्छे एड ग्रुप को कुछ ही दिनों में डबल कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये एड ग्रुप बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम इसे 4 बार कॉपी कर लेंगे ताकि हमारे पास 4 एक से एड ग्रुप हो जाए और हर एक में $20 लगाएं। ध्यान रहे कि जो हमने बनाए हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सिर्फ एक को स्केल करें जिसको हमें सेल में कन्वर्ट करना है। अगर आप नए क्रिएटिव्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो जो सबसे बढ़िया हो उसे चूज करें। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताऊंगा कि कैसे टिकटॉक एड्स को यूज करके टेस्ट करें और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को स्केल करें